अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है CSS और CSS3 का। ठीक है, इस लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ना है CSS की टाइप्स को। ओके, तो गाइस नेक्स्ट हमारी स्लाइड है हु टू ऐड CSS। अच्छा, हम CSS को ऐड कैसे करेंगे? अगर तो आपने HTML पढ़ी है तो आपको पता है कि HTML भी हम यूज़ करते थे, एक लैंग्वेज थी, बिल्कुल वैसे ही एक CSS भी है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन हमने कैसे करना है। CSS इज एडेड टू HTML पेजेस टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन इन द स्टाइल शीट। ठीक है, देर आर 3 वेज टू इंसर्ट CSS इन ओवर HTML डॉक्यूमेंट। तो गाइज HTML डॉक्यूमेंट को वो कह रहा है CSS इज एडिंग HTML पेजेस टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। ओके, इन लाइन। अच्छा, तो गाइस तीन तरह के HTML हमारे पास, सॉरी HTML कह रहा हूँ, तीन तरह के हमारे पास CSS को यूज़ करने के तीन टाइप्स हैं हमारे पास, जिसमें इनलाइन CSS है, इंटरनल और एम्बेडेड CSS है, और एक्सटर्नल CSS है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इनलाइन CSS। ठीक है, इनलाइन CSS कंटेन द CSS प्रॉपर्टी इन द बॉडी सेक्शन। हम इनलाइन जो सा वो बॉडी सेक्शन प्रॉपर्टी बॉडी सेक्शन में हम अटैच करके यूज़ करते हैं। विद द एलिमेंट इज अ नाउन एज इनलाइन CSS। ठीक है, बॉडी के अंदर जो सा सेक्शन होता है उसके अंदर ही हमने इनलाइन CSS का कोड कर एम्बेड करके यूज़ करना होता है। दिस काइंड ऑफ स्टाइल इज स्पेसिफाइड विद इन HTML डैट यूजिंग एट्रीब्यूट के टैग्स को हम यूज़ करके करते हैं। जैसे कि ये देखो आप, अब इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट HTML की बॉडी बॉडी के अंदर हमने H1 लिखा हुआ है। ठीक है, H1 तो लिखा हुआ है, अब वो H1 एक हेडिंग 1 हो गई है, लेकिन नेक्स्ट हमने पैराग्राफ लिखा है। अब पैराग्राफ, दिस इज़ द पैराग्राफ, पहले वाली लाइन जो सी है दिस इज़ द पैराग्राफ, ये जो सा लाइन है ये बिल्कुल सिंपल लाइन है। लेकिन नेक्स्ट हमने क्या किया है, इस पैराग्राफ के इस टैग के स्टार्टिंग टैग के अंदर ही हमने स्टाइल लिखा है। ठीक है, स्टाइल लिख के हम जो भी यूज़ करेंगे ना वो मतलब CSS में आएगा। ठीक है, का इस स्टाइल लिखेंगे, फिर हम एक सेलेक्टर, हमने सेलेक्टर्स पढ़े थे ना, सॉरी सेंटेक्स पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे हमने इसे वैल्यू देनी है इसकी प्रॉपर्टी को। ठीक है, और हमने अब ये जो सी वैल्यू जिसके टैग में दे दिया ना, ये उसी टैग के ऊपर ही यूज़ होगी। ठीक है, नज़र आएगी हमें, अपियर होगी, जैसे कि दिस इज़ द पैराग्राफ। अब ये जो सा पैराग्राफ है ये 25 फॉन्ट साइज होगा इसका। ठीक है, अभी मैं अभी आपको जस्ट ये पढ़ा रहा हूँ, अभी इस लेक्चर के एंड में हम कोडिंग भी करेंगे। तो ये इंटरनल और सी एम्बेडेड आ गया। ठीक है, अब इंटरनल और एम्बेडेड CSS, दिस कैन बी यूज्ड व्हेन अ सिंगल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्टाइल्ड यूनिकली। ठीक है, द CSS रूल सेट शुड बी विद इन द HTML फाइल इन द हेड सेक्शन। एग्जाम्पल, द CSS इज एम्बेडेड इन द HTML फाइल। वैसे ये जो सा इंटरनल है ना, ये हम HTML के हेडर में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा दूंगा जब हम इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे कि देख रहे हो आप, हेड का टैग देख रहे हो ना, अब हेड के टैग के अंदर क्लोजिंग टैग के ऊपर और स्टार्टिंग टैग के नीचे हमने जो सा स्टाइल लिखा, स्टाइल के अंदर जितना जो भी हम यूज़ करेंगे वो हमारी CSS होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल CSS कंटेन सेपरेट CSS फाइल विच कंटेन ओनली स्टाइल प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ टैग एट्रीब्यूट्स। अब ये एक्सटर्नल जो है ना, ये हम एक सेपरेट लिंक बनाते हैं। अभी ये आपको मैं नेक्स्ट पढ़ा दूँ दिखाऊंगा करके। CSS प्रॉपर्टी रिटर्न इन द सेपरेट फाइल, ये हम इसकी एक सेपरेट फाइल बनाते हैं विद द एक्सटेंशन इसकी होती है .css एंड शुड बी लिंक्ड टू द HTML डॉक्यूमेंट। इसका लिंक हम कर देते हैं HTML के डॉक्यूमेंट के साथ। दिस मीन्स दैट फॉर ईच एलिमेंट स्टाइल कैन बी सेट ओनली वंस एंड विल बी अप्लाइड अक्रॉस वेब पेजेस। अब इसका मतलब होता है कि हमने एक सिर्फ CSS का पेज बनाना, अब उसी पेज के अंदर हम अपनी पूरी वेबसाइट को रन करना है, और एक बार ही हमने CSS यूज़ करनी है, और वो जहाँ जहाँ हम टैग जिस चीज़ आईडी को हम और जिस चीज़ क्लास को हम लगाएंगे, वो क्लास जहाँ जहाँ भी यूज़ हुई होगी HTML में, एक बार ही CSS में चेंज करने से हर क्लास चेंज होगी HTML में। जैसे कि ये इसका सिंटैक्स है, ये हमारा हेडर की फाइल है, मतलब ये HTML की हमारी फाइल है, और ये हमारी CSS की फाइल है। नेक्स्ट हमारा ख़त्म हो गया लेक्चर, तो अब मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं जो सी हमने सबसे पहले पढ़ी, ये वाली। ठीक है गाइस, तो मैंने ये किया कॉपी यहाँ से कोड, ये इनलाइन। तो मैंने सब लाइन ऑन किया हुआ है गाइस, ये देखिए ये सब लाइन है। ठीक है गाइस, अब इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हेलो लिखा आ रहा है, बिल्कुल ये हेलो। ठीक है गाइस, यहाँ मैं लिख देता हूँ Ronospan 7330। अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस ये देखो। ठीक है,
चेंजिंग हो रही है। अब मैंने वो यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। अब इसमें गाइज ये थोड़ा मैंने कॉपी पेस्ट किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमने सिंपल क्या करना है, इतना समय चाहिए बस। और ये हमने ये लगा दिया यहाँ, और इस साड़ी को कर दिया रेस। मुझे लगता है आपको शायद यू नज़र ना आ रहा, तो मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। अच्छा तो गाइस अब हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और इसे पेस्ट करते हैं, और इसके अंदर जो हमने ये यूज़ किया हुआ है इसे हम, अच्छा तो गाइस इसे हमने परचेज नहीं करना। अब मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, ये हमारा लिखा आ रहा है। ओके गाइस अब ये जोन्स है, अब इसमें हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है, मैंने स्टाइल लिखा है इक्वल किया है फॉन्ट साइज़ के 30 के, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, और गाइस अभी तक तो कुछ भी ही नहीं आया, तो हम इसे VRB कह सकते हैं। तो गाइस एक तो ये आ गए, अब हम क्या करते हैं इस 30 को 10 करके देखते हैं। तो गाइस ये देखो ये कितना छोटा हो गया। अब हम इसे क्या करते हैं 100 कर देते हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि चेंजिंग हो रही है। ओके गाइस तो आप ये देख रहे हो हमने ये इन लाइन यूज़ किया है, एक लाइन के अंदर ही हमने यूज़ किया, तो गाइस ये लार्ज साइज़ भी हो रहा है स्मॉल साइज़ भी हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने जो उनसी स्लाइड में पढ़ी थी वो थी इंटरनल, तो ये भी बिल्कुल इजी है। अब इसमें हमने क्या करना है गाइस, सबसे पहले तो इसका नेक्स्ट आपको पता है कि एक हेडर का टैग भी हम बनाते हैं। ये मैंने हेडर का टैग बनाया, इसे क्लोज़ किया, ये क्लोज़ हो गया। अब हमने क्या करना है गाइस, यहाँ से हमने ये इतना सा बकरा और यहाँ पेस्ट किया, और पेस्ट ये बिल्कुल ही ख़राब होता है, डोंट नो क्यों। तो ये और यहाँ हम स्टाइल का टैग देंगे, और यहाँ हम स्टाइल का टैग क्लोज़ करेंगे, ठीक है। ये क्लोज़ भी कर दिया हमने, और जैसे हमने यहाँ लिखा है बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ लिख दिया है। अच्छा तो गाइस अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो सा ये लिखा हुआ है ना यहाँ, बल्कि यहाँ हम पी लिख देते हैं, पैराग्राफ कर देते हैं इसे। पहले ये H1 था ना, हमने पी लिख दिया, अब पी को हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि होता क्या है, मे भी कुछ ना हो लेकिन फिर भी। तो गाइज़ ये देखो ये अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना ही हमें फ़ॉन्ट साइज़ नज़र आया 6, और अब देखते हैं अभी तक हमें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिला। हमने पी लिखा, यहाँ भी पी लिख दिया, और यहाँ अगर हम अगर ऐसा कुछ करें तो देखते हैं, आपने भी साथ साथ देखते रहना है। आप अगर आपको मिस्टेक पता चल गया तो वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं, और ये वैसे ही लिखा आ गया हमारे पास। ये भी हमारे पास वैसे लिखा आ रहा है, ये हमने टैग किया हुआ हेड बॉडी HTML बॉडी हेड स्टाइल,
जहाँ तक मुझे लग रहा है हमारा फॉर्मेट भी ही गलत हो सकता है। तो गाइस कितनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं, यहाँ हमने स्टाइल ही गलत लिखा, स्टाइल स्टाइल हद हो गया गाइस, मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन थोड़ा इधर उधर हुआ और गलती कर दी हमने। तो गाइस हमने गलती तो कर दी, अब उसे ठीक भी कर दिया, तो उम्मीद है अब हम थोड़ा प्रॉपर कर लेंगे, ये चीज़ें भी सेटल हो जाएंगी। अच्छा तो अब इसे हम डॉट लगा सकते हैं और तो और गाइस अब हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो गाइस अब हम अपना क्या करते हैं, हमारा जो सा एरर आ रहा है ना वो आ रहा है हमारा फॉर्मेट का एरर, तो गाइस हम इसे क्रॉस करते हैं, हम दोबारा से करते हैं और इसे यहाँ किया। अब ये हमारा स्टाइल का टैग है और ये हमारे दो टैग हैं, ठीक है। इस वक्त हमें बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें ये शो होंगी। ओके गाइस तो अब हम चेंजिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टाइल के टैग से मैंने एंटर किया और मैंने H1 लिखा और ये ब्रेसिस आ गई। अब यहाँ मैं लिखता हूँ कलर, ये कलर आ गया, कलर हम इसे रेड देते हैं और फॉन्ट साइज इसे हम 50 करते हैं इसका, ठीक होगा। ये हो गया H1 का। नेक्स्ट हम P का करेंगे, अच्छा P को हम करते हैं कलर पिंक और फॉन्ट साइज 100px, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली इसका ना स्टाइल होता है एरियल आई थिंक सो। अच्छा तो गाइज अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, तो गाइज ये आपके सामने ठीक हो गया। अभी हम इसकी फॉन्ट फैमिली जो है ना इसको और ये देखो ये पिंक येलो। ओके गाइस तो ये ठीक हो गया, ये येलो भी आ गया और ये रेड भी हो गया। ओके तो गाइस ये आपका क्लियर हो गया इंटरनल जोन से थी। अब हमारी एक रह गई एक्सटर्नल, तो इसको हम बिल्कुल ऐसे ही कमेंट करते हैं, इनको हम नॉर्मल करते हैं। अब हम जोन सी लास्ट वाली हमारी रह गई है वो है इंटरनल। ओके गाइस अब ये बिल्कुल ये भी बिल्कुल इजी सी है, कोई मसला नहीं है इसमें। ओके अब गाइस हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमने एक फ़ाइल बनानी है, एक न्यू फाइल बनानी है, ठीक है। ये एक न्यू फाइल बन गई, पहले तो इसे सेव कर लेते हैं। अब ये सेव हमने करनी है स्टाइल के नेम से, स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके स्टाइल डॉट सी एस एस से ये हमने स्टाइल डॉट ये देखी, स्टाइल डॉट सी एस एस से हमने सेव कर ली। अब यहाँ हम लिखेंगे एक तो ये कोड दिया हुआ बॉडी का, ये ही हम यहाँ कॉपी करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बॉडी का कोड हमने यहाँ मैंने सेव कर दिया। अब H1 है ना इसमें हम बिल्कुल ही ऐसे ही इसे पकड़ के, क्योंकि हमारे पास तो P भी है, तो इसको मैं लिखता हूँ P पैराग्राफ और मार्जिन लेफ्ट इसका मैं कर देता हूँ 40। ओके गाइस अब जो सा मेन काम है, अब इसको हम ज़रा रिमूव कर देते हैं। अब इसका हमने लिंक लगाना है, हेड के अंदर ही लिंक लगेगा, जैसे कि ये देखो ये हेड के अंदर ही एक लिंक लगा हुआ है ना, बिल्कुल ऐसा ही हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। गाइस ये आप देख रहे हो, अब यहाँ अब मैं इस लिंक का आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। गाइस ये लिंक लिखा हुआ है, ये रियल शीट हमारी लिखी हुई है कि ये स्टाइल शीट है हमारी, ये हमारा टाइप है कि ये सी एस एस और टेक्स है। अब यहाँ जो सा ये लिखा आ रहा है ना इसके अंदर हमने नाम अपना स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके तो ये हमने अपना फाइल जो सी थी वो अटैच करनी थी, ये हमने अटैच कर ली।
इसको अब हम देखते हैं कि यहाँ चेंजिंग होंगी कि नहीं। मार्जिन हो रहा है, ठीक है गाइस, मार्जिन तो हो गया। लाइट ब्लू, ब्लू बैकग्राउंड कलर, अभी तक बैकग्राउंड कलर इसने नहीं पकड़ा। अभी गाइस हम बोला क्या करते हैं, इसको हम बिल्कुल ऐसे ही कमेंट करते हैं, हम सारे का सारा न्यू लिखते हैं। यह हमने लिंक लिखा, लिंक लिख के हमने रियल शीट जो सा वो स्टाइल शीट है हमारी वो किया। नेक्स्ट टाइप हमने दी इसकी टेक्स्ट है, स्लैश सी एस एस है, यहाँ हरीफ लिखा, स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से हमारी फाइल है, इसे मैंने कंट्रोल एस किया और यहाँ ले आया और अभी भी नहीं हुआ। तो गाइस अब क्या मसला हो सकता है, मसला हो सकता है इसको कंट्रोल एस करने का, ठीक है, बॉडी कंट्रोल एस, यहाँ बेसिकली ना स्टाइल डॉट सी एस एस, अगर तो हम इसे करें उसमें अडोब ड्रीमवीवर में तो ये बिल्कुल सही काम करेगा। अच्छा तो गाइस काफ़ी बार बार देखने के बाद जाके पता चला कि यहाँ स्टाइल नहीं लिखना, जहाँ सा स्टाइल लिखा हुआ था वो आप मत भी लिखें तो भी काम करेगा। ओके तो गाइस अब ये देखो ये काम कर रहा है। ओके अब ये, हाँ याद रहे ये जो से दो फाइल्स हैं एक ही फोल्डर में होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों फाइल्स। अब यहाँ हम अब पैराग्राफ को देखेंगे, पी पी को हम कलर देते हैं सबसे पहले रेड और फॉन्ट वेट इसको हम देते हैं बोल्ड और मार्जिन लेफ्ट इसको हम करते हैं 30 पिक्सल इनफ है। अच्छा गाइज अब हम यहाँ देखते हैं इस पैराग्राफ को देखिएगा और ये मैंने क्या सर्च, और ये देखो बस एक चीज़ रह गई वो है फॉन्ट साइज इसका 100 पिक्सल। ओके गाइस ये देखो अब ये हमने तीनों के तीनों रन करके मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। बस क्या डिफरेंस है, ये एक्सटर्नल है ये हम साइड पे यूज़ करते हैं, इंटरनल हम अंदर, इंटरनल जो सी है वो हम इसके अंदर स्टाइल के अंदर यूज़ करते हैं, और जो सी इन लाइन है वो हम हर लाइन के अंदर यूज़ करते हैं। ओके गाइज तो बस इतना सा ही था ये लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था और इसमें भी प्रॉब्लम्स आई, आपने प्रॉब्लम्स देखी कि आपको भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बिल्कुल जो सी मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आपने वो क्लियर करनी है। ओके गाइज तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है, इन तीनों, और आपको जो सा पसंद है अब वो यूज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा लोग एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, ठीक है, एक अलग फाइल में, ताकि वो एक ही फाइल हमारी बहुत लार्ज ना हो जाए, बहुत ज़्यादा कोडिंग ना आ जाए, ठीक है। आप भी एक्सटर्नल करो यूज़, जैसे ये मैंने एक्सटर्नल की, आप भी ऐसे यूज़ करो, ठीक है। तो ओके गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अल्लाह हाफिज़।